12 मई 2022 पृथ्वी से लगभग 27,000 लाइट ईयर दूर वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल की पहली बार इमेज ली। सूर्य से 40 लाख गुना भारी ये ब्लैक होल मानव इतिहास में दूसरा ऐसा ब्लैक होल बन गया जिसे टेलीस्कोप से पृथ्वी से ऑब्जर्व किया हो। 3 साल पहले 10 अप्रैल 2019 को पहली बार हमने ब्लैक होल की इमेज टेलीस्कोप में कैप्चर की थी। पृथ्वी से 5.5 करोड़ लाइट ईयर दूर M87 गैलेक्सी का ये ब्लैक होल हमें ब्रह्मांड के और करीब ले गया था। M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल यानी M87 स्टार को जितनी आसानी से हमने ऑब्जर्व किया उससे कई गुना ज्यादा दिक्कत हमें अपनी गैलेक्सी के ब्लैक होल सेगिटेरियस ए स्टार की इमेज लेने में आ रही थी। हालांकि वैज्ञानिकों का पहला टारगेट सेगिटेरियस ए स्टार यानी हमारी आकाशगंगा के ब्लैक होल को कैप्चर करने का ही था। ये दूर खोजे गए ब्लैक होल M87 स्टार से 2000 गुना ज्यादा नजदीक है पर उस ब्लैक होल से 1000 गुना छोटा है। पर इसकी दूरी और M87 स्टार के साइज की बात की जाए और इसे टेलीस्कोप के डायमेंशन से देखा जाए तो ये उससे थोड़ा सा ही बड़ा दिखाई देता है। आमतौर पर ब्लैक होल्स बहुत विशाल होते हैं और गैलेक्सी के सेंटर में अगर इन्हें देखें तो इनका आकार कई सूर्य जितना विशाल होता है, इसलिए इन्हें खोजना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। पर सेगिटेरियस ए स्टार को खोजने में वैज्ञानिकों को बहुत मेहनत लगती है। पृथ्वी से सीधा ऑब्जर्व करने पर इसके सामने बहुत धूल और गैस के बादल आते हैं जो विजिबिलिटी को पूरा रोक देते हैं। इसे किसी भी तरह से हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हैं। अगर आप यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के इस वीडियो को देखें जो कि सीधा गैलेक्सी के सेंटर में फोकस कर रहा है तो आप देखेंगे कि गैलेक्सी के सेंटर में जाते ही हमें कुछ स्टार्स का अजीब मोशन देखने को मिलता है। 30 सालों की ऑब्जर्वेशन में वैज्ञानिकों ने कई स्टार्स को एक सेंटर की अजीब ऑर्बिट करते देखा। इसमें से एक स्टार करीब 24,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्लैक होल की ऑर्बिट करता है। ये सेगिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल के इतना करीब चला जाता है जितना शनि ग्रह हमारे सूर्य के नजदीक है। करीब 2 अरब किलोमीटर की दूरी पर यह स्टार एक ऐसी ऑर्बिट बनाता है कि जिसमें यह कभी थोड़ा स्लो होता है तो कभी एकदम से इतनी तेज चलता है कि इसकी इस एनोमली को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर वैज्ञानिक इंफ्रारेड वेवलेंथ से कई सालों तक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो समझ पाते हैं कि तारे की अजीब ऑर्बिट किसी ब्लैक होल के कारण ही संभव है। और जब यह ब्लैक होल के पास आता है तो यह लाइट की 8% की स्पीड से एकदम से उससे दूर चला जाता है। S62 नाम के इस तारे के साथ साथ कई और स्टार इसी ब्लैक होल की विचित्र परिक्रमा करते हैं। इसकी ऑर्बिट कर रहे तारों की जब ट्रेजेक्टरी देखी गई तो पता चला कि ये तारे जिस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं वो सूर्य से करीब 40 लाख गुना मैसिव हो सकता है। इस क्लिप में आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे स्टार एक ऐसे पॉइंट की परिक्रमा कर रहे हैं जो बहुत मैसिव ब्लैक होल है पर वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही किसी प्रकार की कोई एक्रीशन डिस्क है और ना ही लाइट और मैटर को खाते हुए दिखाई दे रहा है। गैलेक्सी के सेंटर में टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे इस शांत ब्लैक होल की कल्पना वैज्ञानिकों ने भी नहीं की थी। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल अपने साथ इतना मैटर लिए रहते हैं कि वो लाखों लाइट ईयर दूर से ही टेलीस्कोप से देखे जा सकते हैं। पर सेगिटेरियस ए स्टार एक ही पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी में करीब 40 लाख सूर्यों का मास लिए अब तक का खोजा गया सबसे शांत ब्लैक होल माना जाता है। इसका आकार छोटा है और यह किसी भी तरह के मैटर को खाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर अगर लाइट चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती है, इसलिए इसे देख पाना बहुत मुश्किल है। अगर हमें सेगिटेरियस स्टार को अच्छे से देखना है तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसके इवेंट होराइजन के पास किसी भी तरह का सुपर हॉट प्लाज्मा देख पाएं जो इसे ग्लो कर रहा हो। ब्लैक होल की सुपर ग्रेविटी के कारण स्टार्स का मैटर उसमें गिरकर इवेंट होराइजन के पास एक एक्रीशन डिस्क बनाता है जो बहुत तेज स्पीड और रोटेशन के कारण ग्लो होता है, तभी हम इसे देख पाते हैं। पर सेगिटेरियस ए स्टार इतना मैसिव होने के बाद भी ज्यादा मैटर नहीं खाता है, इसलिए एकदम शांत और डार्क है। पर वहीं पर बात करें M87 स्टार ब्लैक होल की तो वो इस ब्लैक होल से ज्यादा विशाल मैसिव है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। आकार में 1000 गुना विशाल होने के कारण इसके पास मौजूद मैटर्स और स्टार्स सेगिटेरियस ए स्टार की तुलना में 1000 गुना कम स्पीड में रोटेट करते हैं, तो इसलिए जब हम इसे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो ये ज्यादातर एक जैसा ही दिखाई देता है। वहीं सेगिटेरियस ए स्टार अपने स्टार्स के सुपर फास्ट मोशन के कारण हर मिनट बदलता ही रहता है, इसलिए इसे कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल भी है। पर आखिर वैज्ञानिकों ने इसकी इमेज कैसे ली और क्यों इस इमेज को एस्ट्रोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? क्या ये इमेज गैलेक्सी के सेंटर में बनने वाले ब्लैक होल्स के राज को सुलझा सकेगी? और क्यों हम इस ब्लैक होल को जेम्स वेब टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं? इन्हीं से भी सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप रात में आकाश को देखेंगे तो आपको इसमें हजारों तारों के साथ साथ नेबुलास और गैलेक्सीज भी दिखाई देती हैं।
पर इनमें से आप केवल कुछ को ही अपनी आंखों से देख सकते हो। विशाल आकार के ऑब्जेक्ट जो कि ज्यादा दूर ना हो वही आपको विजुअल होंगे, पर जब बात गैलेक्सी के सेंटर में देखने की होती है तो हमें काफी खास टेलीस्कोप चाहिए होता है। 27,000 लाइट ईयर दूर हजारों तारों और धूल के बादलों में छिपे सैगिटेरियस स्टार को देखने के लिए विजुअल लाइट और इंफ्रारेड से भी बड़ी वेवलेंथ की जरूरत पड़ती है, जो केवल रेडियो टेलीस्कोप ही कर सकते हैं। ब्लैक होल से आने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए विशाल रेडियो एंटीना की मदद ली जाती है, जो कि लगातार इन्हें रिसीव करके एक पैटर्न में डेटा को साइंस टीम तक भेजते हैं और वहीं से इमेज प्रोसेस होती है। पर सैगिटेरियस ए स्टार आकार में ज्यादा विशाल नहीं है और बहुत दूर भी है, तो इसे डिटेक्ट करना ठीक वैसा ही था जैसे चांद पर आप एक गेंद को खोज रहे हो। ऐसे में अगर हम इस टेलीस्कोपिक इक्वेशन को देखें तो एक विशाल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसका डायमीटर जितना विशाल होगा वो उतना ही दूर स्थित ऑब्जेक्ट की शार्प इमेजेस लेने में सक्षम होगा। तो ऐसे में सैगिटेरियस ए स्टार की इमेज लेने के लिए हमें कम से कम पृथ्वी के आकार का रेडियो टेलीस्कोप चाहिए, तभी हम इसकी इमेज को ले पाएंगे। पर पृथ्वी के आकार के टेलीस्कोप को बनाना लगभग असंभव ही है, तो ऐसे में वैज्ञानिक कई विशाल टेलीस्कोप को अलग अलग जगहों पर बनाते हैं, जिनका काम एक साथ पृथ्वी पर आ रही रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करना होता है। जैसा कि सैगिटेरियस ए स्टार पृथ्वी से बहुत दूर है, तो ऐसे में उसमें से जो रेडियो वेव्स हमारी पृथ्वी तक आती हैं, वो लगभग सीधी ही रिसीव होती हैं। तो ऐसे में सभी रेडियो टेलीस्कोप इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि वे एक साथ रेडियो वेव्स को रिसीव करके अपने अपने डेटा डिवाइस में स्टोर करते रहते हैं। ये डेटा पेटाबाइट्स में होता है, जो कि कई हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जाता है, जिसे इंटरनेट से सेंड करने में बहुत समय लग सकता है, इसलिए सेंटर फैसिलिटी में इन हार्ड ड्राइव्स को ट्रक्स के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप इंटरफेरेंस पर काम करता है। अगर आप दो टेलीस्कोप को किसी सोर्स पर फोकस करेंगे तो उससे बनने वाली इमेजेस में कई डार्क और ब्राइट लाइंस देखने को मिलती हैं। सोर्स पॉइंट काफी दूरी पर होता है और बार बार अपनी पोजीशन बदलता है, इसलिए हमें ऐसी इमेज देखने को मिलती है। वहीं इन रेडियो टेलीस्कोप को और दूर लगाया जाए तो हमें लाइट सोर्स की और ज्यादा पतली लाइंस देखने को मिलती हैं। लगातार टेलीस्कोप के कई पेयर्स को इसी तरह पूरी पृथ्वी पर अलग अलग लोकेशन पर लगाया जाए तो इससे रेडियो सोर्स से आ रही रेडियो वेव्स में कई इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, जिन्हें कंबाइन करके हम एक ब्लैक होल की पूरी इमेज बना सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप के इस कॉम्बिनेशन को रेडियो इंटरफेरोमेट्री भी कहते हैं। इसमें सभी टेलीस्कोप को मिलाया जाए तो उनका डायमीटर लगभग पृथ्वी के बराबर बन जाता है, जिससे वे ब्लैक होल की शार्प इमेजेस ले पाते हैं। पृथ्वी पर बना इवेंट होराइजन टेलीस्कोप इसी तरह काम करता है और उसने ही साल 2019 में M87 स्टार के साथ साथ 2022 में मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल सैगिटेरियस ए स्टार की इमेज ली है। पर ब्लैक होल तो एकदम ब्लैक है, इसके अंदर लाइट जाती है तो कभी बाहर नहीं आती, तो ऐसे में इसे कैसे देखा जा सकता है और साथ में जो इमेज वैज्ञानिकों ने ली है वो आखिर हमें क्या बताती है? क्या इमेज में दिख रहा ब्लैक सर्कल ही ब्लैक होल है या ये उससे भी विशाल है? आइए जानते हैं। हर एक ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है, जिसके अंदर अगर कोई भी चीज जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती है। इसी इवेंट होराइजन के रेडियस को स्वार्चाइल्ड रेडियस कहते हैं, जो बताता है कि ब्लैक होल का साइज कितना है। पर विशालकाय ब्लैक होल्स में हमें मैटर की एक डिस्क भी देखने को मिलती है, जो ब्लैक होल की परिक्रमा करती है। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। इवेंट होराइजन और मैटर की इस डिस्क में एक खास अंतर होता है और इसी अंतर से वे ब्लैक होल की परिक्रमा करती है। अगर इसे स्वार्चाइल्ड रेडियस में देखा जाए तो आप पाएंगे कि मैटर की ये डिस्क ब्लैक होल के सेंटर से 3 स्वार्चाइल्ड रेडियस जितनी दूर है। इससे कम दूरी होने पर मैटर ब्लैक होल की ग्रेविटी में ट्रैप होकर उसी में समा जाता है। पर एक चीज ऐसी भी है जो इससे भी कम दूरी पर ब्लैक होल की परिक्रमा कर सकती है, और वो है लाइट, जो कि मासलेस फोटोन है। आमतौर पर यह 1.5 स्वार्चाइल्ड रेडियस की दूरी पर ही ब्लैक होल की ऑर्बिट करती है, जिसे फोटोन स्फीयर कहते हैं। असल में ये ऑर्बिट से ज्यादा वो रीजन है जहां कुछ फोटोन फंसे हुए होते हैं, या तो वो ब्लैक होल में समा जाते हैं या फिर ब्लैक होल इन्हें बाहर फेंक देता है। पर असल बात यह है कि आखिर जिस ब्लैक होल की इमेज में हम काला सर्कल देख रहे हैं वो क्या है? क्या वो एक्रीशन डिस्क की ऑर्बिट है? क्या ये एक फोटोन स्फीयर है या फिर ये ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है? तो दोस्तों, इसका जवाब काफी टेक्निकल है। देखा जाए तो इनमें से ये कुछ नहीं है। एक ब्लैक होल सिंगल पॉइंट पर अपना सारा मास रखता है, इसलिए स्पेस टाइम को बहुत हद तक मोड़ सा देता है, जिस कारण इसके इवेंट होराइजन के साथ साथ फोटोन स्फीयर पर भी अगर लाइट रे पड़ती है तो ब्लैक होल में ही समा जाती है। यहाँ केवल वही लाइट रे टिक सकती है जो ब्लैक होल के सेंटर से 2.6 स्वार्चाइल्ड रेडियस पर ऑर्बिट कर रही हो। ये जैसे ही ब्लैक होल का चक्कर लगाएगी तो फोटोन स्फीयर के निकट जाकर उससे दूर हो जाएगी,
तो ब्लैक होल का यह हिस्सा जो कि सेंटर से 2.6 वाल्चाइल्ड रेडियस बड़ा है, यही हिस्सा हमें इस इमेज में एकदम ब्लैक दिखाई दे रहा है। यही सेगिटेरियस से स्टार की परछाई है जो असल में हमें इस इमेज में देखने को मिल रही है। वहीं परछाई के साथ साथ आप जो ब्राइट स्पॉट देख रहे हैं वो असल में ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क है जो स्पेस टाइम के बैंड होने के कारण ही ब्राइट दिखाई दे रही है। इसी के आधार पर आप इसके इवेंट होराइजन को निकाल सकते हैं और ब्लैक होल का आकार भी समझ सकते हैं। जब 2019 में M87 स्टार को खोजा गया था तो उसकी परछाई का ही डायमीटर करीब सूर्य और प्लूटो की दूरी के बराबर था। वह सेगिटेरियस स्टार उससे 1000 गुना छोटा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशाल हो सकता है। कई सालों की मेहनत और रेडियो टेलीस्कोप के विशाल जाल से ही हमने ब्लैक होल्स की इमेज लेना शुरू किया है। इन विशाल धूल के बादलों से घिरे ब्लैक होल्स को रेडियो वेव्स के जरिए ही कैप्चर किया जा सकता है। इसलिए अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी किसी ब्लैक होल को देखने के लिए फोकस करें तो वो केवल इंफ्रारेड वेवलेंथ के जरिए एक्रीशन डिस्क को ही और बेहतर तरीके से देख पाएगा, जिससे हमें उतनी ज्यादा मदद ना मिले जितनी रेडियो टेलीस्कोप हमें दे सकते हैं। अगर हम किसी भी तरह और विशाल डायमीटर का टेलीस्कोप बना पाए तो हम बहुत दूर स्थित गैलेक्सीज के भी ब्लैक होल्स को आसानी से देख सकेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने सेगिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल की इमेज की बात की है कि उसे कैसे कैप्चर किया गया और उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिए। फिलहाल मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।